व्हाट्सअप लोंडो, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनो जोन। गाइस, आ चुका है आपका अपना जीनो भाई दुबा से मॉन्स्टर लेजेंड्स की हम या फिर लोगों की वही पहल वर्ल्ड मोबाइल, इसको आप भाई खुशी खुशी कह सकते हैं क्योंकि ज्यादा समानताएं दोनों गेम के अंदर है। हमारे मॉन्स्टर्स यहां पे कर रहे हैं एंजॉयमेंट, भाई साहब इनकी पावरी चल रही है, पावरी हम तो कर नहीं पा रहे, ये कर रहे हैं पर आज होने वाला है भाई यहां पर बहुत कुछ घमासान। फर्स्ट हम लोग करेंगे स्टार्टिंग यहाँ पर हम लोग के रैंक पुश मैच के साथ और उसके बाद बाकी चीजों की ओर बढ़ा जाएगा। चलिए लौंडो, लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लॉर्ड प्यार एंड सपोर्ट बरसाइए ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट गेम की वीडियोस को इस चैनल पे एंजॉय करने के लिए हर दिन। देखो इस समय हमारे पास जो एंसेस्टर है भाई साहब वो है सोने का और सामने जो दुश्मन का करेक्टर है भाई साहब ये लग रहा है मुझे चांदी का, भाई साहब सोना चांदी खाता तो हो जाता बेटे। आप लोग जानते हैं चमन प्राश आया करता था पहले भाई साहब सोना चांदी वाला भी, हमने तो भाई बचपन में वो भी खा रखा है। ओहो, उसकी चांदी को पिघला दिया मेरे जस्टिन की आग ने। अबे टर्टल्स के भतीजे ना माने है, पानी मार रहा है मेरे इस दाढ़ी वाले अंकल की तलवार के अंदर जो आग लग रही है उसे बुझाना चाहता है ना माने। अबे 316 का डैमेज मिल रहा है। ओहो, अरे टॉन्ट क्या मारा, तुझे ही मार रहे हैं आरा बच्चे, उल्टे हाथ का रैप्टा दिया। धड़ाधड़ रैंक पुश बैटल्स होने वाले हैं आज, क्योंकि आज मैं थोड़े गर्म मूड के अंदर हूं, आज मैं गुस्से में हूं इतने कि भाई साहब रैंक पुश पे रैंक पुश के बैटल की बारिश होगी आज। आपका गोल बवंडर घुमाया तीनों के अंदर, पर हम लोग देख सकते हैं दुश्मन के पास करेक्टर है वैसे उनके पास दो दो तलवारें हैं। अबे दो ढाई तलवार के भतीजे तुम्हारी ठंडा काय मेरा चप्पल काय दिया, मेरे पानी के ड्रैगन ने दी उनको पास जाके चुम्मी। 54.5K का डैमेज, लेकिन ये गंदी गंदी हरकतें करनी जरूरी होती हैं। अबे बत्तख सी मुंह की तेरी तो, इसके हम लोग यहां पर देखो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जब आपका होता है यहाँ पर एंसेस्टर अवेकंड तब उसको देखने में जो स्वाद आते हैं वैसा वो मैं मिस करना नहीं चाहता। डेज लगा दिया यहाँ पर एक बेटा, मेरे जस्टिन को ये डेज नहीं कर पाया। अगला अटैक हमारा होने वाला है, हमारी अग्नि वाली स्वॉर्ड तैयार है, इसको मारते हैं हम लोग पहले नीचे वाले को, भाई यहाँ पे ये डक घूम रही है तो इसको मारने में हम लोग को काफी फायदा मिलेगा। तंदूरी डक बना दी है दोस्तों, कमेंट से बताएं कि कौन कौन तंदूरी डक खाना चाहेगा। आप एक काम करते हैं इसको खत्म करते हैं क्योंकि हम लोगों को उससे फायदा मिलने वाला है, ठीक है। 104 के कुछ का डैमेज मिलने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत कतई बेहतरीन। ठीक है भले अंदर दे दिए प्यारे। अब लास्ट बचा है ये पत्थर कुमार, अगर तू बेटा पत्थर कुमार है बेटा तो मैं भी यहां पर जस्टिस का दोस्त हूं। जस्टिस या एक 2.5 किलो का हाथ अगर इसके पड़ जाता तो जिंदगी में स्वाद आ जाता। 200% डैमेज बढ़ चुका है। एक काम करते हैं पहले हम लोग यहां पे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि यहां पे अभी हमारा लौंडा जो है ये अवेकंड हो जाएगा। अब हो चुका है हम लोग यहां पे भाई एंसेस्टर अवेकंड और इस वाली चीज के बाद अब जब हम लोग इसके अल्ट मारेंगे या फिर हम लोग इसके नौ में पंच भी मारेंगे उसका फटका इसके भाई यहां पर बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। 14.5 की शील्ड आ रही है, चल बेटे बहुत सही। और प्लस हमारा यहाँ पे एक और एंसेस्टर हो चुका अवेकन, बेटा ऑक्टोपस लग गया इसके सर के ऊपर उसके ऊपर तेरे ऐसे। और एक मिनट वेट, अरे चल भाई, नहीं 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 यार कैसे मारू इसे, मैं तो मजा सा आ रहा है इसके, मैं भाले से ही मार सकता हूँ, मैं इसके अल्ट भी मार सकता हूँ लेकिन प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। यार तेरी तो चाट ही चाटे बरसा दिए मेरी जान, मैं अल्ट मार सकता था, मैंने मारा नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब ये आज की यहाँ पे भाई भोली प्रिंसेस देखो भाई, आपको आपकी नागिनेक्स भी पहले इतनी ही भोली मासूम कतई तोती लगती होगी पर भाई साहब जब वो धीरे धीरे आपको बनती दिखती है नागिन तब पता लगता है आप लोगों को भाई साहब हाथी के साथ खाने के और दिखाने के होते हैं अलग। अरे बस बस डराती कहा है भाई, डराने लग गई यार। इसके हम लोग मार सकते 138K 79 297 भी है 347 रख के मार, और साथ में नैनो वायरस खत्म है, ये तो बच ही नहीं सकती, ये बच ही नहीं सकती मेरे प्यारे।
हील कर दिया, लट तेरी हील करेगी, बच जा हील करने से। कंप्यूटर महोदय पेश किया जाए हमारे सामने हम लोग का अगला बैटल। ये कौन है? अबे ये उड़ता हुआ डेडपूल और उसके साथ हम ऐसा कुल्हाड़ी वाला कौन है बे? ओए अबे लक्कड़ आ रहे तेरी तो। लगता है दोस्तों यही था चिपको मूवमेंट का असली सरकार, पर मेरे हमले नहीं देखते बेटा कि चाहे आज हो मंगलवार या फिर सोमवार। अब चेक करते हैं यहाँ पे का। अरे रे 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 नागराज जी की जय हो। वैसे वो ड्रैगन है लेकिन फिर भी लास्ट बचा हुआ है जस्टिस। यार तुझे सनी पाजी कसम एक ढाई किलो का हाथ मार दे यार। ओए सनी पाजी कसम वो एक ढाई किलो का हाथ मार दे, उठा उठा के इसकी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दे। जला के लगाया हमने इसके सनबर्न। चल तेरी तो ओपी। दोस्तों जस्टिस से हम लोग यहां पर भाई मुक्का भी लगवाएंगे क्योंकि जस्टिस मुक्का मारता है और मैंने तो भाई नाम रखा हुआ जस्टिस यहां पर सबका बाप। रुक जाओ आग वाले बवंडर, नाचेगा दुश्मन हो चाहे इंसान या बंदर। अवेकनिंग चार्ज आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। पता एक चीज बताऊं, जो ये वाला सिस्टम होगा क्रिक वाला भाई, अरे इस वाले भाई ये बहुत जल्दी अवेकन होता है भाई, इसे मतलब नहीं है भाई, ये तो भैया बहुत जल्दी अवेकन होता है, बहुत तगड़ा लौंडा है। मुझे इतना पसंद है। 347 के साथ में नैनो वायरस और अगली बारी हमारे वन एंड ओनली लौंडे जस्टिस जस्टिन की। देखते लौंडा क्या मारता है, डबल कर सकते हैं अपने डैमेज को एक एक्स्ट्रा टर्न के साथ या फिर नॉर्मल भी आप लोग मार सकते हैं इनके। आज इसे मार दूं क्या, एक उल्टे हाथ का रैप्टा दे दूं? सनबर्न लग गया दोनों और का, कोई बात नहीं ये तो होना ही था। ये तो होना ही था यार, ड्रिल मशीन घूम रही है भैया मेरे यहाँ पे ना, थोड़े एलईडी ट्यूबलाइट जो आती है मुझे वो फिट करवाने थे, जरा आ जाओ घर पे मेरे, पैसे मांग रहा है यार। ओहो ये ले, पैसे मांगेगा है ये ना, फ्री में काम कर दूं है। चलेंगे अगली फाइट की ओर। टै टै टै। ओहो नीचे आ चुकी है एक लोमड़ी, उसके साथ में है पावर रेंजर। वैसे टॉप पे ये कौन है? सबसे पहले आप लोग जानते हैं भाई अनुशासन परंपरा प्रतिष्ठा, हाय काउंटर घुमाने की परंपरा हमारी सालों से चलती हुई आ रही है। अबे मफलर ओढ़ के आया है वो भाई, वुल्फ वुल्फ कह रहा हूँ, फॉक्स ने भाई साहब मफलर ओढ़ रखा है भाई, इतनी ठंड तो नहीं हुई है अभी, एकदम मफलर पहन के आ गई। अरे ये तो मर रही है, मार दें क्या ड्रैगन? ड्रैगन बोजी के ड्रैगन के बाद इस गेम का ये भाई पानी का ड्रैगन मुझे बहुत पसंद आया। जस्टिस यार अब तो ढाई किलो का हाथ मार दे यार। ओए मार दे, जीनो दो बार बोल चुका है। ओए वेरी गुड, इधर गले मिल ले सनीपा जी, गले मिलेंगे आप। ओए अपना ही बच्चा है, बॉबी की तरह इसको भी मैं अक्सर अपने साथ खिलाता रहता हूं, इसीलिए इसका ये हाथ ढाई किलो का हो गया है। लग गए आर्मर और लग रहे हम लोगों के भाई बाकी सारे ट्रेड्स, लेकिन आप लोग जानते हैं बवंडर फिक्स है बाबू, बवंडर फिक्स है बाबू। और हाँ गाइस कल आप लोग जानते हैं कि हमारे भाई यहाँ पे जो नया शेड्यूल बनाए उसमें आप लोगों को मिलती है 2 बजे ड्रैगन सिटी की वीडियो, 4 बजे हम लोग लगाते हैं भाई किसी रैंडम गेम की वीडियो और अपने 7 बजे आती है मॉन्स्टर लेजेंड्स की वीडियो। हाँ अभी थोड़ा हम लोगों का टाइम अजीब सा हो रहा है, तो तुम ये मान के चलो कि मतलब 3 वीडियोस इसी ऑर्डर में आएंगी कि पहले ड्रैगन सिटी आएगी, फिर एक रैंडम गेम की आएगी, फिर आपकी आएगी मॉन्स्टर लेजेंड्स की, ठीक है? टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन कल 4 बजे कौन सी गेम की वीडियो आएगी वो आप लोग कमेंट से बता दो मुझे कि इस वाली गेम पर डालना। हालांकि हमारे पास यहाँ पे कुछ गेम के सजेशन बताए हुए हैं कमेंट्स के अंदर ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो मैं शायद वही डालूंगा, बाकी देख लेते हैं कैसा बैठता है, ठीक है? बट फिलहाल तो वापस चलते हैं रैंक पर शुरू, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ये 80 आंखों वाला मुझे देख रहा है। तेरी कितनी आंखें हैं, तेरे बता असली आंखें कौन सी हैं? वैसे एक मकड़ी की आंखें कितनी होती हैं? एक मकड़ी की शायद 300 आंखें होती है, ऐसा कुछ होता है, तो मैंने ऐसा कुछ सुना था, मैंने पक्का नहीं पता मुझे। मैं का टोंट लगा दिया इसने, अबे टोंट तेरी तो, मेरे टोंट लगाएगा, जानता नहीं मैं कौन बेटा, मेरा नाम करारा जीनो है, मैं नहीं करता हूं माफ, मैं लगाता हूं दुश्मन के अच्छों में आके तेरी। लौंडे अवेकंड होने का समय आ गया है, तैयार हो जाइए एकदम।
स्टैमिना गायब कर दिया है 60 वाला। अरे लेकिन भाई उसने टॉन्ट लगा रखा है ना, एक काम करते हैं, टॉन्ट लगा रखा है तो भी क्या हुआ, डरता था ना उस समय, तेरी भले आठ आंखें हूं बेटे, तेरी आंखें भले ही 10 हो या 12 पर मोहल्ले की आंटियों की निगाहों से तेज निगाहें तेरी हो नहीं सकती, और मेरा ये ऑक्टोपस भाई साहब इसके वारों से भाई तू बच जाए इतनी तेरी हस्ती हो नहीं सकती। दोनों मर रहे हैं। देखो भैया, देखो मैं इनको मार सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इनको इस समय अभी के अभी अपने इस वाले कैरेक्टर के, अपने इस एंसेस्टर के अल्ट से मार सकता हूँ दोनों के दोनों को, लेकिन मैं यहाँ पर इनमें से सिर्फ एक को मारूंगा, सिर्फ एक मरेगा दूसरा बच जाएगा। अब दूसरा जो बच गया है पता है इसको मैं कैसे मारूंगा, मेरे अंदर एक भाई पता ऐसी प्रबल इच्छा है, मेरे अंदर ऐसी प्रबल इच्छा है कि मैं इसको जस्टिस के अल्ट से मारूं भाई, बहुत मजा आएगा। देखो अबे तू क्या अवेकंड हो गया अबे यार, एक तो मेरे एंसेस्टर इतने प्यारे प्यारे हैं, ऐसे घूमते घामते भाई जल्दी जल्दी अवेकंड हो जाते हैं। जस्टिस तेरा भी समय आ चुका है, अवेकंड हो जा, तो जैसीनो ने बुलाया है। अबे कब होगा, अबे यार होके नहीं दे रहा यार, लगता है गुस्से में है ये। मुझे तो लग रहा है जस्टिस से पहले ना हमारे जो करेक्टर है क्रिकोला जो एंसेस्टर में, ये दोबारा अवेकंड हो जाएगा भाई, एक बार तो हो चुका है दूसरी बार भी हो जाएगा। अगर हम यहां देखे भाई तो रिचार्ज कर ले, तू मार सकता है मैं जानता हूं, पर तुझे मारना नहीं है, हम लोग यहां पे भाई दूसरा ही कैरेक्टर यूज करेंगे। और रही बात हमारे इस कैरेक्टर की भाई, तो ये भी अपना अल्ट मार सकता है, अगर हम लोग इसका अल्ट यूज करेंगे शायद ये मरेगा नहीं, है ना, मुझे वही करना है। लो जी हेल्थ गई तो है लेकिन मरा नहीं, यही चाहिए, देख रहे हो उसका अवेकन पॉइंट आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। भाई तो दोबारा रिचार्ज करेगा, रिचार्ज ही कर ले भाई तो आराम से एकदम। जस्टिस भैया कब खोलेगा तेरा खून है, कब होगा तो वेकेंड, अब तो हो जा भाई, अब तो बनता है। सोने का आर्मर और सोने के बाल भाई साहब, सोना कितना सोना है आओ भाई करते हैं यहां पे इसको भी रिचार्ज। अब बस जैसे ही आएगी हमारे यहां पे जस्टिन की बारी, इसका अल्ट मार के करेंगे इसका काम। अब तू देखिए यार फिर वेकेंड हो गया, देखो अब इसके अल्ट से भी ये मर रहा है, पर अनुशासन परंपरा प्रतिष्ठा की वजह से भाई साहब मैं इसको इससे मारूंगा नहीं, जस्टिन के ही अल्ट से करेंगे इसका काम तमाम। जस्टिस मार दे अपना अल्ट, 3-2-1 डस्टेड एंड डिस्ट्रॉयड, बेहतरीन। अब ये क्या है, अच्छा जीत गया। और इसी के साथ चलेंगे हम लोग यहाँ पे माई ट्रेजर केव की और भी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ट्रेजर केव में मजा आता है भाई साहब। वही चार सोने की मटकी, वही बुलंद दरवाजे, इन चार मटकियों में से किसी एक मटको, वही पहले ही मटकी में 3 जेम्स मिल गए, बेहतरीन। तात्या बिच्छू से सतर्क रहे, सावधान रहे। एक तात्या बिच्छू एक ऐसा प्राणी है जो कि आप लोग अपने माँ बाप से भी ज्यादा जिससे डर सकें, एक तात्या बिच्छू ही वो प्राणी है जो कि आपके मैथ के टीचर के सरप्राइज टेस्ट से ज्यादा भी आपको चौंका सकता है। एक तात्या बिच्छू ही वो प्राणी है जो कि आपकी नागिन एक्स से ज्यादा जहर आपके ऊपर उगल सकता है, इसीलिए इसकी भोली सूरत और एक अकेली आंख पे मत जाना ना माने। एक एक कदम रखना है आपको फूक फूक के, क्योंकि तात्या बिच्छू रहम नहीं खाता। डर का माहौल और मटकी चूस करते हुए मेरी इत्तु इत्तु सी हवा टाइट होती हुई यही देख रहा है, मैं मध्य को नीचे बैठ जा, डर लग रहा है। 3 जेम्स और आ गए, अगर अब मान लो ताते बिच्छू आ भी जाता है भाई तो हमारे 5 जेम्स ही जाएंगे, हम लोग को मामला फ्री का पड़ेगा। ताते बिच्छू आ जा, क्या हुआ आवा आवा बेटे, करा ले जीनों के पास 6 जेम्स है, डरता है नहीं है। यही देख रहा है, नीचे बैठ जाए। नोवा दरवाजा, तात्या बिच्छू चलो भाई, मुझे लगता है कि शायद आज भी हम लोगों का काम हो जाएगा एकदम बेहतरीन, और आज भी हम लोगों का ये तात्या बिच्छू पकड़ नहीं पाएगा, डर गया उससे यार, मेरा खौफ इतना मार्केट के अंदर। तात्या बिच्छू आ नहीं सकता, वैसे मैंने उसको धमकी दी थी कि अगर तात्या बिच्छू आज ट्रेजर केव के अंदर आ गया तो भाई साहब मैं उसका तात्या लग कर दूंगा, उसका बिच्छू लग कर दूंगा। नहीं है, मैं कहा ना आज तात्या बिच्छू नहीं आएगा, डर के रहेगा आज मुझसे।
यही तो मेरा खौफ है आपके जीनो भाई का, यही तो भाई एक मर्दांगी होती है ना मर्द की, एक वो यही तो होती है भाई साहब। देख रहे हो तेरवा दरवाजा आ गया और ताते बिच मजा ले आ जाए। ला 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 टैटे ला ला टैटे आएगा ही नहीं, 14th दरवाजा आ चुका है दोस्तों। आज तो आप लोग मानते होगे भाई साहब क्या ही मेरा आपके जीनो भाई का टोरा भाई साहब, एक नंबर एकदम बाप वाले राजा वाला एकदम। अबे यार 14th दरवाजे पे आया है और 14 को हिंदी में क्या कहते हैं समझ जाओ, वही हल किया इसने मेरा। क्या यार बस अब गोल्डन टिकट्स का ही कुछ सहारा है जो कर सकता है मुझको खुश। हालांकि हम लोगों के अभी सिर्फ 5 जेम्स ही यूज हुए हैं जिनसे हम लोगों को भाई यहाँ पर 6 मिल चुके हैं, तो अभी तक हम लोग घाटे में नहीं चल रहे हैं। 16वां दरवाजा गोल्डन टिकट्स और ताते बच्चू इसमें आ नहीं सकता। 17वां दरवाजा ताते बच्चू आने का नहीं। 18वां दरवाजा और मुझे तात्या बिच्छू से हल्का हल्का डर महसूस होता हुआ, पर तात्या बिच्छू जानता है अपनी औकात की, अगर वो जीनो के खिलाफ जाएगा तो फिर भाई साहब उसकी मोमोस प्लेट की पार्टी और चिली पेटा स्प्रिंगल्स से हाथ धोना पड़ेगा। देख रहे हो एक इंसान भाई कहीं भी हार मान सकता है, लेकिन भाई साहब जब बात होती है फ्राइड मोमोस की, चिली पेटो की और भाई साहब स्प्रिंग रोल के साथ ओए, तो भाई साहब जो मजे आते हैं ऐसे मजे आपको मार्केट में कोई दिला नहीं सकता। पर फिलहाल तो हमारी तीखी तीखी नजरें 400 टिकट्स की ओर बढ़ती हुई बेहतरीन मिल चुकी हम लोग को यहां पर। देखो सीन कुछ ऐसा है कि अगर ताते बिच्छू एक बार और आ गया तो मेरे भाई सीधा यहां पर जाएंगे जेम्स मोटे और वो पंगा सो जाएगा तकड़े वाला एकदम। लग गए 10 जेम्स गए। अब देखो अब यहां अगर ताते बिच्छू दोबारा आ गया भाई साहब मेरे 40 जेम्स जाएंगे, 40 जेम्स, और भाई ऐसा है मेरे पास जेम्स इतने बचे हैं नहीं, ओनली 66 जेम्स बचे हैं। तो ऐसा है 24वां दरवाजा आते ही भाई साहब मैंने हो जाना कल्टी, क्या हो जाना मैंने कल्टी, और मैं दिखा दूंगा ट्रेजर केव को भाई साहब अपनी पीठ की पलटी। निकल लो पतली गली से भाग ले मुड़के मत देखियो, कब आपको कहाँ जाना है और कब करना है रिट्रीट आपको बताना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो किरको वाला हम लोग यहाँ पे इसको समझ गए क्योंकि हम लोग को भाई स्कोप करना है और भी ज्यादा लेवल अप। तो क्रिक मून वॉकर तुझे जीनो ने बुलाया है, समन करता है तुझे जीनो 400 गोल्ड टिकट से लिए, चल भाई बब्बर शेर ही कह दे। चलो इसको हम लोग लगाते हैं हम लोगों की अपग्रेडेशन के ऊपर, चलते हैं जरा हम लोगों की मॉन्स्टर लैब के अंदर क्योंकि आप लोग जानते हैं वही होता है रैंक अप। ये रहा किर्क मून वॉकर, आजा लॉन्डे ब्रेकआउट होए, यू कैन ओनली यूज मॉन्स्टर सेल्स फॉर दिस मॉन्स्टर, ये क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर अब मैं समन करूंगा तो वहां से हमको जो सेल्स मिलेंगे उससे अपग्रेड नहीं होगा ये कह रहे हैं क्या? पर उसको भी तो मॉन्स्टर सेल ही बोलते हैं हैं? दोस्तों किसी को पता हो कि ये जो ब्रेकआउट आया था ये क्या बताना चाहते हैं तो जरा कमेंट्स में थोड़ा ढंग से समझाओ जरा कि क्या मांग रहे हैं। बट फिलहाल तो इसको हम लोग करते हैं यहां पर 115 लेवल का। यहां पर अभी तुम लोग एक काम करते हैं कोई भी पावर ले लेते हैं और फिर बाद में हम लोग इसको चेंज कर देंगे एकदम आराम से, ठीक है? तो हमने यहाँ पे भाई फाइनल कर दी हम लोग की चारों के चारों स्किल्स और इसी के साथ अपना लौंडा यहाँ पर तैयार है भाई और इसका लेवल भी भाई काफी बेहतरीन हो चुका है। यानी कि फिलहाल तो हम लोग का भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एंसेस्टर है वो हमारा किल्क मून वॉकर ही है यहाँ पर। सो वो आजियत हम लोगों की आज की बेहतरीन मॉन्स्टर लेजेंड्स की वीडियो है, आप लोगों को मजा आया होगा, मेक श्योर करें फटाफट से जाइए इस वीडियो पे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए बेहतरीन से वैसे मूड सेट कर दीजिए आपके जीनो भाई का। अबे आई लव यू मत लिख देना यार तुम, शेयर कीजिए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए फुल और प्यार एंड सपोर्ट बरसाइए वैसे बारिश कर दीजिए प्यार की। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless. So